चलिए पूनम जी, नाम ले लो सबसे जो परिधान है आपका साड़ी बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस एल्बम की शूटिंग कर रही हैं और कितने उत्साहित हैं इस एल्बम को लेकर? सबसे पहले तो मेरे सारे चैनल देखने वाले दर्शकों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और अभी हम लोग मर्द में एल्बम शूट कर रहे हैं और एल्बम के जिस चैनल से टेलीकास्ट होने वाला है वो यूनिक चैनल है, यूनिक ऑफ म्यूज़िक और नया चैनल है। और आई होप हमारी भोजपुरी दर्शक इसको बहुत सारा प्यार देंगे और इसको भी बाकी सारे चैनल की तरह बहुत हाइप देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इंडियन ड्रेस पहन रखा है, भारतीय परिधान, वो इसलिए कि इसके गाने जितने भी हैं 5-6 गाने जो हम शूट कर रहे हैं वो अलग अलग शेड्स के हैं। जैसे फिल्मों में अलग अलग शेड होते हैं वैसे ही सैलून में अलग अलग शेड है। इंट्रोडक्शन से, हीरोइन के इंट्रोडक्शन से छेड़छाड़ से प्यार होता है, फिर शादी होती है, फिर विदाई होती है, फिर हस्बैंड चला जाता है, सैड सॉन्ग, तो इसमें सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा आपको कि मतलब एल्बम में तो आप पहले भी काम कर चुके हैं, जो एल्बम कुछ स्तर में सेंटर ये वो स्तर की बात होती है कि जो भोजपुरी एल्बम होते हैं उनका स्तर उस तरह का नहीं होता है कि परिवार के साथ देख सके वो एल्बम को, इवन यूट्यूब पे भी। एक्चुअली इस चीज़ की मैं भी बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन जितने भी हमारी भोजपुरी ऑडियंस जो बोलती है कि भोजपुरी अश्लील है, वो बेसिकली अच्छे चैनल या फिर अच्छे जो आर्टिस्ट होते हैं वो उन लोग के एल्बम्स नहीं होते, वो बहुत बी ग्रेड सी ग्रेड के होते हैं, जो भोजपुरी तो हैं बट भोजपुरी बेल्ट से नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, ढेर सारे व्यूअर पाने के लिए टेलीकास्ट कर रहे हैं, बट वो हमारे मेन जोनर से नहीं है। कोई भी उसमें जो भी आर्टिस्ट काम करते हैं, सिंगर काम करते हैं, वो मेन जोनर से नहीं है। और हम लोग जो एल्बम्स कर रहे हैं, आप हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, और ऐसे सारे गाने हैं जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे के सारे अच्छे हैं, बट जो मेन जोनर के हैं उनके सबके गाने अच्छे हैं, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। अब उनके लिए मैं क्या बोलूँ, बस यही बोल सकती हूँ कि प्लीज़ यूट्यूब वाले जो भी हैं वो इसके लिए कोई कार्रवाई करें ताकि जो अश्लील वीडियो अपलोड करते हैं उनको रोक लगाया जा सके। पूनम जी, ये भी कहना चाहूँगा कि आप हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में या चैनल पर देखते होंगे किस तरह से वो जो शोषण की घटना हो रही है, सुनीता जी ने आरोप लगाया नाना पाटेकर जी पे, क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी कई बार सुनने में आता है कि शोषण होता है, मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा या निर्देशक के द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा सही है गलत है, आपके विचार से क्या चाहिए? जी, अगर मैं पूरी तरह नकार दूँगी तो ये मेरी उस चीज़ को बढ़ावा देना होगा, तो मैं इस चीज़ को नकारती नहीं हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि हाँ डेफिनेटली होता है, बट डिपेंड ऑन आर्टिस्ट। आज तनुश्री दत्ता जी बोल रही कि उनके साथ प्रॉब्लम हुई है, जब वो शूट कर रही थी तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि आप जब काम निकलवाना होता है तब आप उस समय उनका प्रोत्साहन करते हो, आप ये सोचते हो कि हमारे हाथ से काम ना निकल जाए या फिर कुछ हो जाए, उस समय आप फुल ऑन सपोर्ट करते हो, उनके कहे अनुसार करते हो, कास्टिंग काउच एनीथिंग, बट काम निकलने के बाद उस चीज़ को क्यों ह्यूमर बनाना? या तो आप पहले से इनकार कर दो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रेप नहीं होता है। आपने आज तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं सुना होगा कि यहाँ रेप होता है, क्योंकि आपकी इच्छा पे रहता है। हर इंसान शॉर्टकट अपनाना चाहता है, हर इंसान सोचता है कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँ। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, बट वो चीज़ों को रिग्रेट करते हैं, इसीलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को मना करते हो, उस चीज़ के खिलाफ जाते हो, एक समय रहते चले जाओ। आज तनुश्री दत्ता जी, मैं किसी लड़की के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलती हूँ तनुश्री दत्ता जी अगर चॉकलेट के टाइम या फिर जिस भी फिल्म के टाइम उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है उसी समय उनको उस चीज़ के खिलाफ बोलना चाहिए। अब आज आज जिस एल्बम की शूटिंग कर रहे हैं, हम देवल जी कोरियोग्राफर हैं और उनके साथ आप आज कोरियोग्राफर में आप कर रहे हैं शूटिंग कर रही, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं बस इतना ही बोलना, हम इसलिए बार बार बोल देती हूँ बिकॉज मैं यूपी से हूँ, यूपी वाले हम बोलते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि राम देवल सर, मेरे सारे कोरियोग्राफर मेरे फेवरेट हैं, बट राम देवल सर मेरा मोस्ट फेवरेट है। मेरा पहला सॉन्ग जिससे मेरी भोजपुरी में एंट्री हुई थी वो था हार पे न पार पे, और वो सुपर डुपर हिट सॉन्ग था। उसके बाद मैंने बहुत सारे गाने किए, लेकिन जो भी गाना मैंने रामदेवन सर के साथ किया वो सारे गाने सुपर डुपर हिट हैं, वो चाहे हार पे न पार पे हो, चाहे रंगीला के सॉन्ग्स हो, चाहे अभी हमने मेहंदी लगा के अपना किया था उसके गाने, सारे गाने दर्शकों को पसंद आते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ हमारी सारी ऑडियंस हमारे एल्बम के गानों को भी सुपर डुपर हिट करें और बहुत सारा प्यार दें। उनके हिंदी में कई गाने हिट रहे हैं बताना चाहेंगे, और उन्हें भोजपुरी फिल्मों में कई गाने हिट रहे हैं, छलक थमक जोनी से लेके
जी राम देवन सर के बहुत सारे हिट नंबर्स हैं, उसमें मोस्ट फेवरेट है चलकर तंबू जमुनिया, रातें दिया बुता के किया क्या क्या किया, और भर जाता ढोड़ी पसीना से, और अभी पलंगिया किया क्या क्या पलंगिया किया जीने ने दिया फिल्टर के पानी, मतलब मैं भी सोचने लगूँगी तो बहुत सारे हिट नंबर निकल आएंगे। तो एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा, और आपके साथ अभी जो को स्टार हैं उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी जो मेरे साथ को एक्टर काम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम क्या अनुज जी बता रहे हैं? हाँ वही मैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने सिंगल किया हुआ है, और वो जिला टॉप के विनर रह चुके हैं, और सुर संग्राम के भी फाइनलिस्ट रह चुके हैं, उसके अलावा वो बिहारी में एंट्रिंग कर चुके हैं, और महुआ बहुत भोजपुरी के बहुत सारे शोज में एंट्रिंग कर चुके हैं, और मैं इतने ही बोलूँगी माता रानी महादेव उनके, और उनका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, और वो भी कल के सुपरस्टार बने। आपकी भी फिल्म मुन्ना मवाली रिलीज हुई है मुंबई में, यूपी बिहार झारखंड, जो बिहार झारखंड में अच्छा धूम मचाया है, और मुंबई में रिलीज हो गई, सबसे गुजरात में चल रही, क्या कहना चाहिए? आज मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी फिल्म मुन्ना मवाली को उन्होंने बिहार झारखंड में बहुत सारा प्यार दे करके अच्छी खासा हिट किया, वैसे मुंबई और गुजरात में भी जो कि हमारी फिल्म परसों रिलीज हुई है यहाँ पर भी बहुत सारा प्यार दे, ब्लेसिंग्स दे, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल नए थे, और अच्छी फिल्मों को और नए प्रोड्यूसर को अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अच्छी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो आगे के लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे। आने वाली फिल्मों की बात करें आपकी, कौन कौन से हैं आगे आने वाले? मेरी फिल्में हैं गिरफ्तार, जिसमें रामनाथ रट के आता है, और उसके अलावा दुश्मन सरहद पार के हैं, सॉरी दुश्मन सरहद पार के हैं, जिसमें राकेश मिश्रा जी, विराज भट्ट जी हैं, मोनाली साजन हैं, अंजना सिंह जी हैं। गिरफ्तार में मेरे अपोजिट रितेश पांडे जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, अंजना सिंह जी हैं, और बाकी भोजपुरी जो महान फिलर होते हैं वो सारे संजय पांडे जी, उमेश सिंह जी और मनोज टाइगर जी सभी लोग हैं। पूनम जी ये भी कहना चाहूँगा कि बिग बॉस चल रहा है और भोजपुरी आर्टिस्ट जैसे मोनालिसा जी हो गए या रवि किशन जी हो गए या मनोज तिवारी जी हो गए, सब पार्टिसिपेट किए हैं, आपको कोई शौक नहीं होगा? आपका नाम तो और है, आपको नहीं लगता कि बिग बॉस में जाएगा तो नाम ज़्यादा होगा, ज़्यादा कोई लिस्ट नहीं है? नहीं, थैंक यू सो मच, मैं बिग बॉस की कभी से मतलब सिर्फ देखने में फ़ैन हूँ, मैं एज एन कंटेस्टेंट मैं खुद को वहाँ पे कंफर्ट फील नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे बिग बॉस में जिस तरीके से शो को जीतने के लिए लोग रिश्ते दोस्ती सारी चीज़ों को ब्रेक कर देते हैं, मैं वो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, जिससे चार दिन हमारी फ्रेंडशिप रहती है उससे पाँचवें दिन अंडे के लिए लड़ाई करते हैं लोग, वो मेरे से नहीं होगा। आपका सीधा निशाना क्या अनूप जलोटा की तरफ है? अनूप जलोटा जो कर रहे हैं उनके नहीं, अनूप जलोटा जी अंडे के लिए लड़ रहे हैं, वो अंडा ही है ना? नहीं, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि अनूप जलोटा जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके गाने बहुत अच्छे हैं, और इस सब चीज़ों को मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, ये एक शो है और शो में हर किसी को जाने का वो है, और शो का माध्यम है, और उसमें क्या कैसे है ये सारी चीज़ें चैनल जानता है, और वो सब उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी, बट मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ। थैंक यू सो मच। एक मिनट, खड़े रहना, हटा दे, हटा दे। हाँ सर, मैम यहाँ भी नहीं आप लोग हमारे सर का और एक्टर इंटरव्यू लीजिए, आप कितने हिट हिट नंबर हैं? कोई बात नहीं, तूने बता दी काफ़ी है। थैंक यू विनोद जी, चलो चलो।